हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HVAC हेल्दी एनवायरनमेंट। दोस्तों, आज हम लोग HVAC सिस्टम में जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स को जब हम लोग कंट्रोल करते हैं जिसकी मदद से थर्मोस्टेट की मदद से, ये जॉनसन कंट्रोल का हमारे पास थर्मोस्टेट है, इसके फंक्शंस और इसके ऑपरेशंस, इसको कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं इस थर्मोस्टेट को, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसके पासवर्ड को डाल करके हम लोग इसको पहले ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली जो ये ओपन हो गया है और इसके सारे जो मेन्यूज़ हैं वो खुल चुके हैं और इसमें एक एक मेन्यूज़ के क्या क्या फंक्शन है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑक्यूपाइड कूल सेट पॉइंट। यहाँ से हम लोग जो है सेट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। हमको कितने टेम्परेचर पर रखना है, 21, 19, 20, जो भी हमारा जो टेम्परेचर जो हम सेट करना चाहते हैं वो उस टेम्परेचर पर हम लोग रख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं सेट पॉइंट में जो है बहुत सारे ऑप्शंस है, ऑक्यूपाइड हीटिंग है, ऑक्यूपाइड कूलिंग है, अनऑक्यूपाइड हीटिंग है, अनऑक्यूपाइड कूलिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। अब सेट पॉइंट से पीछे जाते हैं ये और दूसरे ऑप्शन की तरफ, तो शेड्यूल। यहाँ पे शेड्यूल में, सेट शेड्यूल में जा करके आप शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि आपका जो यूनिट है वो किस दिन कितने बजे से लेके कितने बजे तक चलना चाहिए, ये आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अब जो है इसके बाद जो अगला जो पॉइंट है वो हम देखेंगे, डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग में गाइस आप पास कोड लगा सकते हो, आप अपने मर्जी का, आप अपने पसंद का कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हो। इसके बाद कंट्रोल सेटअप में अगर हम देखें, इसमें जनरल में जाएंगे तो इसमें कंट्रोल मोड है। कंट्रोल मोड यहाँ पे आपको शो करेगा कि यूनिट इनेबल है या नहीं है, तो यूनिट इनेबल है अभी। फैन मोड ऑन है या ऑटो है, जो भी रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा। और इसके बाद अगर हम देखें तो जनरल के सेटिंग्स में हम जब जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। कंट्रोल सेटअप पे जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे जो है ऑप्शंस आते हैं। इक्विपमेंट सेटअप में जब हम लोग जाते हैं, इसमें जनरल में जब हम जाएंगे तो नंबर ऑफ कंप्रेसर 2 स्टेज अभी शो कर रहा है। अगर एक कंप्रेसर, अगर 1 स्टेज करेंगे यानी एक कंप्रेसर चलेगा, 2 स्टेज यानी दोनों कंप्रेसर हमारा काम करेगा। इसके बाद जो है फिर से हम बैक होते हैं। बैक होने के बाद ये ट्रेंड है, सिस्टम स्टेटस है। सिस्टम स्टेटस में अगर हम यूनिट स्टेटस देखेंगे तो आइडल यूनिट स्टेटस अभी आइडल है या कूलिंग मोड पे, यानी ये जो भी चल रहा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगा। ये जो 20 आपको दिख रहा है ये रूम टेम्परेचर आपका शो होता है, और ये जो छोटा सा जो आपको 21 दिख रहा है ये सेट टेम्परेचर है, ठीक है गाइज। इसके सारे फंक्शंस मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ। ये फैन है, और फैन जब देखें ये अभी जो है अलातूल चलेगा, यानी कंटिन्यूसली, सॉरी, ये जो अभी ये जो आपका ये जो शो हो रहा है ये, यानी यूनिट जब चलेगा तो फैन चलेगा, यूनिट बंद होगा तो फैन भी बंद हो जाएगा। अभी ये जो शो कर रहा है ये, यानी कि फैन आपका नहीं चलेगा। ये जो आपका शो कर रहा है, कोई भी तीर का निशान नहीं है, यानी कि फैन आपका कंटिन्यू चलेगा। अगर आपका कंप्रेसर कट ऑफ भी होता है तो भी आपका फैन जो है वो चलता रहेगा। भाई बदतमीजी ना करो यार बीच में। अच्छा ठीक है गाइस, अब ये जो है यहाँ से आप जो है टेम्परेचर को अप एंड डाउन कर सकते हैं, और ये सारे यहाँ से मेन्यूज आपको मिल जाएंगे। सारे मेन्यूज आप जो है सेट कर सकते हैं, जो भी आप टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं, कंप्रेसर के बारे में शेड्यूल सेट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप जो है इजिली सेट कर सकते हो। तो गाइज HVAC से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। तो गाइज मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह के MEP और HVAC से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आइए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।